आज हमारा 28 जून का फर्स्ट का एग्जाम ओवर हो गया है। पता करने की कोशिश करते हैं कि पेपर कैसा आया था। और सर गुड नेम? हाँ पुनीत पांडे। पेपर ओवर आपको कैसा लगा? कट ऑफ आई जाएगी, पेपर बहुत इजी था, मतलब कंपैरेटिवली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे। अच्छा, अभी तक में ये कहा जा रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से मैथमेटिकल पोर्शन जो है डिफिकल्ट सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसा अभी देखने को मिला? मैथमेटिकल डिफरेंट सेगमेंट में नहीं था, आई से लेंदी था, बिकॉज एक एक क्वेश्चन विल टेकिंग 7-8 मिनट्स, जहाँ के आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो 2-3 मिनट के क्वेश्चन थे। अच्छा, केमिस्ट्री में ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का पोर्शन भी इस बार जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में देखने को मिला है, जो कि यूजुअली ऐसा नहीं होता था। तो केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, केमिस्ट्री बहुत अनइवन है, एज इन फिजिकल केमिस्ट्री से मतलब हार्डली कुछ आया था फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक में जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनसे कुछ क्वेश्चन नहीं थे जो नॉर्मली स्कोरिंग कुछ चैप्टर होते हैं। फिजिक्स का भी तो ये सुनने को मिला है कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या ऐसा इससे देखने को मिला? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, इवन जो कभी नहीं आते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे। एंड आई विल पॉइंट आउट फिजिक्स के एक क्वेश्चन में बोनस पॉइंट मिलेगा, आई विल रेज द क्योरी बिकॉज वो क्वेश्चन वैलिड नहीं है, मतलब उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ तीनों में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना चाहोगे जिससे नंबर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ऑब्वियसली। मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में 3D बहुत था, स्पेशली प्लेन्स। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 40 अटेम्प्ट किए हैं। मार्क्स एक्सपेक्ट कितने कर रहे हो? इंटीजर टाइप्स में हम ऑब्वियसली मार्क्स कटते हैं, तो 130-140। क्लास 12th में या ड्रॉपर हो? ड्रॉपर। तो आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया होगा, तो पहले ये बताओ कि लास्ट ईयर और इस ईयर के मुकाबले कौन सा डिफिकल्ट था? लास्ट ईयर तो बहुत डिफिकल्ट था, लाइक इससे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल था लास्ट ईयर का। इवन लास्ट ईयर का जो लास्ट अटेम्प्ट था उस अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में इज लाइक जेई एडवांस और जेई मेंस का डिफरेंस। अपना ड्रीम कॉलेज बताना चाहोगे? ऑब्वियसली NIT, मेरा DTU है। अच्छा, ये बताओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कुछ बेनिफिट मिला अभी देखने को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हाँ, अप्रोच काफ़ी में सॉल्वेबल अप्रोच थी, बट इट्स नॉट लाइक कि सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही थे, इस बार बहुत एडवांस लेवल भी आया हुआ था और एक पेपर बहुत इम्बैलेंस टाइप का था, सारे चैप्टर्स कवर्ड नहीं थे। दैट्स इट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर यू।